हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम फुल बॉडी वाइटनिंग स्क्रब करेंगे। कॉफ़ी स्क्रब काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है, असरदार होता है, तो उस स्क्रब को आज हम ट्राई करेंगे और देखते हैं हमारा रिज़ल्ट। बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट मैं आप लोग के सामने लेके आई। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें यूज़ करनी है, सबसे हमें चाहिए पहले कॉफ़ी, जो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्वान्टिटी ले लें, कॉफ़ी चाहिए। जो दूसरी चीज़ें हैं वो है हमारा लेमन यानी नींबू लेनी है आपको। जो तीसरी चीज़ है वो है हनी आपको लेनी है। और जो हमारा लास्ट चीज़ है वो है शुगर पाउडर, यानी आपके घर में चीनी है उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मिक्स करें और उसका पाउडर तैयार करें। अब हमें लेनी है एक बाउल यानी कि कटोरी लेनी है, उसमें अब हम इस चारों का पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉफ़ी पाउडर लेते हैं और कॉफ़ी पाउडर मैंने ले लिया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर पाउडर। अब जान लें कि आपको अपने हाथों में अप्लाई करना है, नेक पे या पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी ले लें। तो मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर भी एक चम्मच ले लिया है और एक चम्मच कॉफ़ी मैंने ले लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे भरपूर हनी यानी कि शहद। इसमें हम बहुत सारा यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमारी बॉडी में नमी मिलती है, मॉइस्चराइज रहती है हमारी स्किन, वो जो रूखी बेजान त्वचा हमारी हो जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे, जी हाँ लेमन जूस इसमें हम डालेंगे और इसे इतना नींबू का जूस डालेंगे ताकि हमारा पेस्ट हमारा तैयार हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है उस अकॉर्डिंग आप उसमें लेमन जूस ऐड करें और अच्छा सा पेस्ट बनाए। कुछ और इसमें ऐड नहीं करना है, बस यही चारों से आपको एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और अपने पूरे हाथ पे या जिस भी बॉडी वाइटनिंग आप चाहते हैं वहाँ पे आप उसे अप्लाई करें। तो कोई भी अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड आपके कमेंट हो तो ज़रूर ड्रॉप करें, कमेंट पूछें, जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जो हमारा स्क्रब है हमारे स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है और देखेंगे स्मूथ आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की सॉफ्ट जो कहते हैं ना, बेबी सॉफ्ट बनाता है। इन चारों का पैक आपको लगाना है। जैसे कि जानते हैं कि कॉफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सफोलिएशन का काम करता है, मतलब कि हमारे डेड स्किन को निकालता है, और नींबू में जानते हैं कि विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन को वाइटन करता है, और हनी मॉइस्चर का काम करती है, और जो शुगर पाउडर है वो हमने स्क्रब के लिए लिया हुआ है। तो मतलब इन चारों का मिश्रण से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा वाइटनिंग होती जा रही है। तो आपको जेंटली अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई करना है, इसे धीरे धीरे आपको रब करना है जिस तरह से आप स्क्रब करते हैं रेगुलर। तो इसे आप पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, इसे फेस पे नहीं अप्लाई करना है, पूरे बॉडी पे अप्लाई। मैं इसे रेगुलर अप्लाई करती हूँ इसलिए आप मेरी बॉडी पहले से वाइटन देख पा रही होंगी। तो इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। 2 बारी काफ़ी बेस्ट है आपके लिए। 2 बारी आप इसे यूज़ करें और जेंटली, आपको रगड़ना नहीं है इसको, धीरे धीरे से आपको मसाज करना है, धीरे धीरे से आपको मसाज करना है। यहाँ पे देखिए, अब मैंने वॉश कर ली और देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा वाइटन हो गई है, स्मूथ हो गई है, चमकदार हो गई है, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो होप मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को फटाफट से कर दे लाइक और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इसी तरह की खूब सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी नई वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो इसी तरह से आप पूरा अप्लाई करें, जिधर भी आप अप्लाई करना चाहते, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, असरदार है। आपने तो सुना ही होगा कॉफ़ी बॉडी स्क्रब के बारे में, तो आपने लाइव रिजल्ट भी देख लिया, आपको खुद भी इस पर ट्रस्ट हो गया होगा। तो एक ट्राई ज़रूर दें और इस पैक के लिए, इस स्क्रब के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।